तो ये देखिए आज हमने बनाई है मटर आलू की सब्जी रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है और झटपट बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाए और इसे बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है। तो उसे बनाने के लिए हमने लिए है मटर। हमने मटर को अच्छे से वॉश कर लिया है। हमने फ्रेश मटर का यूज करा है, आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। और हमने लिया है कटा हुआ आलू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और हम जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे। तो ये देखिए जीरा चटक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ आलू और अब हम आलू को हल्का फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। इसमें ऐड करेंगे नमक और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम आलू को थोड़ा देर और फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए आलू फ्राई हो चुका है। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने वापस से उसी कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई प्याज और हम प्याज को हाई फ्लेम पर लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो ये देखिए अदरक लहसुन हल्का भुना चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। हमने एक बड़े साइज की प्याज ली थी और उसे ग्राइंड कर लिया था और अब हम इसे भी हल्का भून लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रहेगी। तो ये देखिए प्याज हल्का भुना चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कम या फिर ज्यादा। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें मसालों को तब तक भूनना है जब तक ये तेल नहीं छोड़ देते। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तो ये देखिए मसाला भुना चुका है, मसाले ने साइड से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी यानी टमाटर का पेस्ट और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब टमाटर जब तक तेल नहीं छोड़ देती तब तक हम इसे भी भून लेंगे। तो ये देखिए टमाटर भी अच्छे से भुना चुकी है और टमाटर ने भी साइड से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम मटर को भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए मटर को भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए आलू को भी भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है और मटर और आलू अच्छे से बिल्कुल भुना चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। सब्जी में आप जब भी डालें तब गर्म पानी ही डालें, ठंडा पानी नहीं डालें। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई धनिया पत्ती और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च। हमने हरी मिर्च को बीच से 2 टुकड़ा कर लिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनकर रेडी हुई है। अब हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। ये देखिए मटर आलू की सब्जी रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है।
बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे जरूर बना कर देखें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।